पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। अब पंजाब सरकार धान और गेहूं की तरह मूंग की फसल भी MSP पर खरीदेगी। पंजाब सरकार ने कहा है कि किसान मूंग के बाद धान की 126 और बासमती की फसल लगा सकते हैं। गेहूं और धान के बीच में एक और फसल MSP पर खरीदने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि किसान फसल विविधीकरण की ओर ध्यान दें, सरकार हमेशा किसानों के साथ है। केंद्र सरकार ने मूंग का MSP 7,275 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया हुआ है। पंजाब में मुख्य तौर पर धान और गेहूं की फसल होती है, इसके लिए उसकी खूब आलोचना भी होती है क्योंकि धान की बहुत अधिक खेती से जल संकट बढ़ रहा है। अब भगवंत मान सरकार फसल विविधीकरण पर फोकस कर रही है ताकि किसान धान और गेहूं की बजाय दूसरी फसलों की भी खेती करे। हालांकि ऐसा तब होगा जब दूसरी फसलों को भी MSP पर खरीदा जाए। मूंग को MSP पर खरीदने का फैसला इसलिए लिया गया है। बताया गया है कि सरकार बाजरा, मक्का और सूरजमुखी को भी MSP पर खरीदेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।